मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े और शमशान घाट कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के आंकड़ों में विरोधाभास के बीच मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल के चिरायू अस्पताल के प्रबंधन के अनुसार 7 दिन से रोजाना 10 से 15 मौतें सिर्फ उन्हीं के यहां हो रही हैं, जबकि सरकारी हेल्थ बुलेटिन में इस दौरान पूरे प्रदेश में 13 से 37 मौतें बताई गई। मतलब पूरे प्रदेश में जितनी मौतें हो रही हैं उतनी अकेले चिरायू अस्पताल में हो रही हैं। चिरायू अस्पताल में इतनी मौतों की बात खुद ही वहाँ के CMD अजय गोयनका ने कही। CM शिवराज सिंह चौहान स्वयं कोरोना संक्रमित होने पर इसी चिरायू अस्पताल में ठीक हुए थे। इंदौर में प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ा दी है। अब किराना, ग्रोसरी और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जाएगी। इसी समय अवधि में सब्जी फल के ठेले भी लग सकेंगे। दूध डेयरी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक यानी पूरे दिन खुली रह सकेंगी। प्रशासन ने कम समय अवधि में मार्केट में होने वाली भीड़ के चलते ये रास्ता निकाला है। ये आदेश 14 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इससे पहले फल सब्जी आदि की दुकानें 3 घंटे ही खुलती थी। इस कारण लोग उमड़ पड़ते थे जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया था। इंदौर में हर 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। पहली बार सबसे अधिक कोरोना के 1552 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में 8553 सैंपलों की जांच रिपोर्ट सामने आई। पहली बार 8,500 से अधिक सैंपल लिए गए। अब रोजाना लगभग इतने ही सैंपल लिए जा रहे हैं जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शामिल रहेंगे। प्रशासन द्वारा जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किए जा रहे हैं वहां घर घर सर्वे सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि अधिक से अधिक संक्रमित लोगों को चिन्हित भी किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 अप्रैल को प्रदेश में 267 टन ऑक्सीजन उपलब्ध रही है जबकि 8 अप्रैल को 130 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। यानी 4 दिन में 137 टन ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है लेकिन आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की है ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच सरकार ने झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह को हटा दिया है। उनकी जगह चिकित्सा शिक्षा विभाग में उप सचिव सोमेश मिश्रा को कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस ने आदेश जारी करने के साथ ही मिश्रा को तत्काल प्रभाव से झाबुआ पहुंचकर चार्ज लेने के निर्देश दिए हैं। मिश्रा के पास आयुष्मान भारत मिशन के CEO का अतिरिक्त प्रभार भी था।